गांव सेनाली छोटी में विवाहिता की मौत मामले में पति को 5 साल के कठोर कारावास की सजा। 2021 के मामले में जिला एवं सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला। चूरू के गांव सेनाली छोटी में साल 2021 में हुई विवाहिता की मौत मामले में बुधवार को चूरू जिला एवं सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पति रामावतार जाट को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का दोषी मानते हुए 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि सीकर जिले के बलोदबड़ी गाँव के 44 वर्षीय शीशराम जाट ने महिला थाना चूरू में 2021 में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी बेटी सुशीला देवी की शादी 22 अप्रैल 2018 को गांव सेनाली छोटी के रामावतार जाट के साथ हुई थी। उसका पति उस पर नगद रुपए लाने के लिए दबाव बनाता और मारपीट करता। 27 अक्टूबर 2021 की शाम को करीब 5 बजे के आसपास उसके पिता के पास फोन आया तो उसकी बेटी ने रोते हुए बताया कि उसका पति उसको रात में जान से मारने की धमकी दे रहा है और मारपीट कर रहा है। अगली सुबह जब पिता सेनाली छोटी पहुंचा तो उसकी बेटी सुशीला की मौत हो चुकी थी। उसके ससुराल वाले उसके दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे। महिला थाना पुलिस ने शीशराम की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की। चूरू के जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री रविंद्र कुमार जी ने आज सेनाली छोटी गांव के रामोदार पुत्र कृष्णाराम जाट को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना पुलिस थाना महिला की है जिसमें 28/10/2021 को गांव बलोदबड़ी पुलिस थाना सदर फतेहपुर के शीशराम जाट ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी पुत्री सुशीला का विवाह 2/4/2018 को ग्राम सेनाली छोटी चूरू के रामोतार पुत्र कृष्णाराम जाट के साथ हुआ था। शादी के बाद से रामोतार शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। जब वहां सेनाली छोटी में पहुंचे दूसरे दिन तो सुशीला की लाश पड़ी हुई थी। उसका आरोप था कि सुशीला को फांसी पर लटका करके मार दिया। बाद साक्ष्य व सुनवाई के न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 और 304 नहीं मानी, यानी कि न्यायालय ने यह नहीं माना कि दहेज की कोई मांग की गई थी। न्यायालय ने यह माना कि रामोतार उसके साथ सुशीला के साथ शराब पी करके मारपीट करता था, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली।